अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जन्नत राहील, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं बनाती हूं DIY ब्यूटी मेकअप और हेल्थ रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई सीरम। ये एक बहुत ही बेस्ट आई सीरम है। ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे कि आप किसी भी अच्छे ब्रांड का आई सीरम ले लो तो वो वर्क करता है। वैसे तो आई सीरम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो आप इसको ट्राई करो, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब डार्क सर्कल्स होते क्या हैं? आंखों के गिर्द हल्के क्यों पड़ते हैं? नींद पूरी ना होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, अगर आपको कोई ज़हनी तनाव है उस वजह से, या फिर पानी का इंटेक बहुत कम है, अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं उस वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं डार्क सर्कल्स के, लेकिन इस सीरम को यूज़ करने से आपके डार्क सर्कल के साथ साथ अगर आपकी आंखों के नीचे सूजन है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत बेस्ट सीरम है और 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको इसका एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इसको 7 दिन यूज़ कर लो मेरे कहने पर, तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चले अपना सीरम बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड करके बटन को प्रेस कर दें, और उसके साथ एक छोटी सी बेल आइकन भी होगी उसको भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और ऊपर आपको प्रोफाइल नेम भी शो हो रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलें अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है एक पैन, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप वाटर, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टी पैक ग्रीन टी का। आपने एक टी पैक लेकर वो खोल के इसमें डाल देना है। ग्रीन टी में कैफीन होता है जो डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप ग्रीन टी के टी बैग को कूल करके, ठंडा करके अपनी आँख के नीचे अपने डार्क सर्कल वाले एरिया पर रख लेते हो तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने इस ग्रीन टी को जो है वो पानी में डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी फनल सीड सौंफ। मैं इसमें 2 टेबल स्पून फनल सीड सौंफ के ऐड करूँगी। फनल सीड्स में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो आइज़ की पफनेस को कम करती है, और उसके साथ साथ डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। इसमें मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है, तो इतना इसको बॉयल करना है कि इसमें 1/4 कप से भी कम पानी रह जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे इसको बॉयल करने में इस तरीके से। इसको हम इसलिए ज़्यादा बॉयल कर रहे हैं ताकि इसमें फनल सीड और ग्रीन टी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस पानी में आ जाए। तो मैंने इसको छान लिया है, और ये इस तरीके का हमारा जो है वो कावा सा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कौन नहीं जानता। एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रेडनेस को रिमूव करती है, जो हमारी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देती है। तो डार्क सर्कल्स के लिए एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलोवेरा जेल अब इसमें मैं डाल के इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारा सीरम रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको एक छोटी सी बॉटल में निकाल रही हूँ। आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल सकते हो, किसी भी कंटेनर में डाल सकते हो, जो आपको ईजी हो उसमें आप इसको डाल सकते हो। तो ये हमारा आई सीरम रेडी है। कितना सिंपल तरीके से ये सीरम रेडी हो गया है, और इसका बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट है जैसा आप किसी भी अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड के आई सीरम को यूज़ करके होगा। मैं इसको हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। आपने जस्ट इस तरह डालना है, और अपनी आईज़ एरिया पे, अपने डार्क सर्कल वाले एरिया पे टैप टैप करके लगाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको रगड़ना नहीं है। आपने इसको यूज़ कैसे करना है? रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, उसके बाद अपने आई एरिया पर टैप टैप करके इस आई सीरम को लगा लेना है। आप इसको सुबह भी लगा सकते हो, रात को भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक टाइम लगाएं तो सिर्फ रात को भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको फ्रिज में 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको इस सीरम का रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और आप खुद देखोगे कि आपके डार्क सर्कल्स रिमूव होना स्टार्ट हो गए हैं। आप इसको एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करें। आप इसको बार बार ट्राई करेंगे, आपको इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि होम रेमेडीज़ में क्योंकि कोई केमिकल नहीं शामिल होता, तो आपको इसको सब्र से यूज़ करना होता है। आप इसको अगर रेगुलर यूज़ करोगे ही तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो थोड़ा सब्र से काम लेना है इन रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।